सबसे पहले सबको प्रणाम, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब लोग आए हैं यहाँ पे, और बहुत दिनों बाद आपसे भी मुलाकात हो रही है सर। फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि संजय मिश्रा जी बना रहे हैं पिक्चर को, इन्होंने कई सारी पिक्चरें बनाई हैं और एक फैमिली रिलेशन है मेरा इनके साथ में, और बेसिकली हमने जो एक कॉन्सेप्ट सोचा है इस पिक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज सोचा है। मतलब एक ऐसा माइंड सेट है इसके पीछे कि जो चीज़ें शायद यूपी बिहार में और वर्ल्ड के कई सारे हिस्सों में होती हैं, लेकिन हम उसके बारे में खुल के नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक यूथ है जिसका एक अपना माइंड सेट है जो ये, और एक फीलिंग के थ्रू ये हो करते हैं लोग। और बेसिकली मैं कहना चाहूँगा लिव इन रिलेशनशिप पे है पिक्चर, और उसको मतलब बहुत ही अजीब तरीके से देखा जाता है बेसिकली, बट हम इसके फिल्म के थ्रू एक यू नो एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये अच्छा भी है या बुरा भी है या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो इस तरीके कुछ बातें इसमें। लव स्टोरी बहुत सारी बन रही है, लगातार फिल्में बन रही हैं, क्या ये भी उसी तरह से लव स्टोरी पर ही बेस्ड फिल्म होगी? सर एक्चुअली लव स्टोरी के बगैर तो मेरे को लगता है सारी पूरी यू नो लाइक इंडस्ट्री अधूरी है, पूरा दुनिया अधूरी है, अधूरा है, क्योंकि अगर लव स्टोरी नहीं है पिक्चर में आपको कोई फीलिंग अटैचमेंट नहीं होता किसी फीलिंग से आपको, तो लव स्टोरी तो है बेसिकली, लेकिन साथ में एक फैमिली एंटरटेनमेंट है ये, और कई सारी सीख देके जाएगी ये पिक्चर, मेरे को लगता है मैसेजेस देके जाएगी बहुत सारी। देव पांडे जी आपको डायरेक्ट करेंगे, पहली बार ऐसा होगा कि देव पांडे आपको डायरेक्ट करने वाले हैं, एक्साइटेड हैं आप इसके लिए? जी बहुत एक्साइटेड हूँ, वो बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, उनका खुद का माइंडसेट इतना तगड़ा है और इतना कुछ सोचते हैं वो, और इतना कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं रात दिन, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनके साथ काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं बेसिकली। गोलू क्या इसमें आपके गाने भी होने वाले हैं, आप गाने वाले हैं इस फिल्म में? शायद मोस्टली गाने वाला हूँ सर, पता नहीं फिलहाल मेरे को पता नहीं सर जी। कोई तैयारी खास तौर पे कोई तैयारी प्रिपरेशन अपनी बॉडी को लेकर लुक को लेकर जो गोलू कर रहे हो इस फिल्म में? सर बहुत ज़्यादा तो तैयारी नहीं किया अभी तक फिलहाल, ये है कि बहुत टाइम से मैं स्टोरी के बारे में सोच रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो इनपुट्स एंड यू नो लाइक चीज़ें हैं जो कि हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें सोचने की यार ये अच्छा होगा या नहीं होगा, तो तैयारी एक्चुअली 2-3 साल पहले से ही चल रही है इस पिक्चर के लिए, अब जाके फाइनलाइज हुआ है तो हम जाके अब यू नो फ्लोर पे उतर रहे हैं बहुत जल्द। एक्ट्रेस के बारे में मुझे अब तक नहीं कुछ बताया गया, मुझे भी अता पता नहीं है सर, अभी नहीं अता पता है सर, मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया अभी तक, आपको भी ये बात नहीं बताया? बिल्कुल नहीं बताया गया सर। ओके, और कौन सी फिल्म रिलीज पर है अभी? भाई अभी आई थिंक पटीदार है और सौदागर आई थिंक आज रिलीज हुई है यहाँ पे वापस से, मल्टीप्लेक्स कहीं लगा है मूवी मैक्स में, और साथ में एक आध और पिक्चर है लाइंड अप। फिल्मों को लेकर क्या कुछ स्पेशल चल रहा है भाई? तैयारियां चल रही हैं, लगातार काम चल रहा है, आर्ट के ऊपर मेहनत किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, और नई पिक्चरें देख रहा हूँ और ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ रात दिन अलग अलग तरीके से, ये सब चल रहा है भाई फिलहाल। गोलू निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ गोलू अब कब नज़र आने वाले हैं? बहुत जल्दी नज़र आ जाएंगे भाई, अभी वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हैं, मेरी लास्ट बात हुई थी 1-2 महीने पहले, तो वो काफ़ी व्यस्त हैं अभी चीज़ों में, तो बहुत जल्दी हम लोग का प्लान है कुछ ना कुछ करने का, होपफुली बहुत। आप ये तो मानते हैं कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपकी और निरहुआ को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 7-8-10-20-12 साल हो गए सर उस चीज़ को, तो हर किसी को मतलब यू नो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यार ये जोड़ी वापस आ जाए और सेम एंटरटेनमेंट देखने को मिले, एक बॉन्डिंग होता है दो एक्टर्स का जब भी वो परफॉर्म करते हैं, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ काम कर पाऊँ यार। 2 महीने से बात नहीं हुई, क्या निरहुआ बदल गया है? अरे सर फंसा रहे हैं आप भी, मतलब कोई नहीं बदला सर, सब वही है एकदम, जब भी बात होती बहुत अच्छे से होती है, आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहे मेरे ऊपर और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ में। थैंक यू सर। नमस्कार प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका सिंह। इतना आप लोग मानते हैं हमेशा ही इंटरव्यू हम लोग देते लेते ही रहते हैं एक दूसरे का, और आज एक फिल्म है यह जवानी दीवानी, उस फिल्म का आज मुहूर्त है, एक हिंदी फिल्म आई थी ये जवानी है दीवानी, तो उसी तरह का कुछ फिल्म है और नए यंग जनरेशन के ऊपर ये फिल्म है, नए नए जो बच्चे हैं कॉलेज के उनकी जो लव स्टोरी है एक उसी पे बेस्ड फिल्म है, काफ़ी अच्छी फिल्म बनने वाली है। देव पांडे जी डायरेक्टर है, राजेश शाह जी म्यूजिक डायरेक्टर है, और आज मुहूर्त है और सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और मैं इसमें आज एक गाना गाने आज शुरुआत है, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है जो भी गाने वाली हूँ, तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। देव पांडे जी तो सभी जानते हैं उनको, मैं क्या बोलूं, उनकी बहुत तमाम ऐसी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, टैलेंटेड आउटस्टैंडिंग,
म्यूजिक डायरेक्टर तो मतलब जो है राजेश जी, वो तो मुझे लगता है कि मैं जब नहीं आई थी इंडस्ट्री में, आई नहीं थी तब से उनका जो है एक जलवा है, तो मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, सभी लोग सीनियर हैं। कितने गाने गाए अभी तक राजेश जी की फिल्म में? काफ़ी सारे गाने गाए हैं सर के, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे गाने हैं, तमाम सॉन्ग्स हैं, तो सबको अच्छा लगता है। भोजपुरी की कुछ सिंगर आजकल रास्ते भटक गए हैं, आप भी सुन रही हो किस वाले मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं? देखिए अभी इन सारे मुद्दों पर बोलना नहीं चाहती, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर मुझे लगता है कि मेरे जैसा अगर सिंगर बोलेगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी, ठीक है, इसलिए मुझसे अभी इस टॉपिक पे आप मत पूछिए। आपके जैसे मैं किसी दिन फ्री रहूँगी ना, उस दिन आप सब लोग आइएगा, उस दिन हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पे, ठीक है? थैंक यू सो मच, नमस्कार। बढ़िया फर्स्ट क्लास, समस्त भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार और अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, मीडियाकर्मी को और हमारे समस्त भोजपुरी दर्शकों को। सर एक फिल्म की डबिंग चल रही है यहाँ पर स्टूडियो में, संजय ने हमें स्पेशली इनवाइट किया है, बताएंगे कुछ पिक्चर के बारे में? फिल्म का नाम है जवानी दीवानी और इसके हीरो हैं ऋषभ, जिसे हम गोलू भी कहते हैं, और एक यंग जनरेशन, यंग लड़का और बड़े धमाके के साथ कई फिल्में कर चुका है, और मैं उसकी ये फिल्म अभी फ्लोर पर जाने वाली है। इसके प्रोड्यूसर हैं संजय मिश्रा जी और बाय मिस्टेक मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, और म्यूजिक डायरेक्टर हैं राजेश झा जी। जी आप कहाँ फिल्म होगी, कैसे होगी और कौन कौन लोग होंगे सर? फिल्म में जैसे मैंने कहा कि गोलू हीरो है, और गोलू की अभी एक फिल्म रिलीज हुई है सौदागर, जो बहुत अच्छी जा रही है, और इस फिल्म को हम लोग रांची में शूट करेंगे, और एक यंग जनरेशन की फिल्म होगी लव मेक्स लाइफ, दो प्यार करने वालों की कहानी जर्नी होगी, और वो जर्नी जो है स्कूल से लेके कॉलेज से लेके और अंतिम पड़ाव जो होता है कि उनका प्यार सक्सेस हो जाए, तो वही हमारी जवानी दीवानी है। गोलू के साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट है, कुछ कहें गोलू वाले? हाँ, दिस इज माय फर्स्ट मूवी विद गोलू, बड़ा अच्छा लग रहा है, यंग लड़का है और इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है और काफ़ी समझ रखता है, और उसके साथ स्टोरी डिस्कस करके बड़ा मज़ा आया, और उसे म्यूज़िक का भी काफ़ी ज्ञान है, क्योंकि उसके म्यूज़िक जो है उसे विरासत में मिली हुई है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो म्यूज़िक में ही पैदा हुआ है, क्योंकि उनके फादर राजेश झा जी जो हैं एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और वो बचपन से एक्टिंग करते आया हुआ है और बचपन से म्यूज़िक को देखते आया हुआ है, सिनेमा में पैदा हुआ है, सिनेमा को खा पी के ही पाल पोस के बड़ा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लड़का है और मज़ा आएगा इसके साथ काम करके। किसके आवाज़ में रिकॉर्ड किया जा रहा है? आज जो पहला गाना है वो प्रियंका सिंह गा रही हैं और अभी उनका रिकॉर्डिंग होगा। प्रोड्यूसर ने इसके पहले पवन सिंह के साथ फिल्म बनाया हुआ है और गोलू के साथ पहली बार बना रहे हैं, और पहली बार मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूं, और इस फिल्म की शुरुआत जो है रांची से होगी। ये पांडे जी, आप बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे खेसारी लाल यादव के साथ, आपकी बड़ी हिट फिल्में हैं, आपकी जो जोड़ी है बाय डिफॉल्ट खेसारी लाल के साथ बड़ी हिट रही है, अब आप गोलू के साथ फिल्म कर रहे हैं, आपको लगता है जिस तरह की ट्यूनिंग आपकी और खेसारी लाल की थी वैसी गोलू की हो सकती है या उससे बेहतर हो सकती है? मेरी जोड़ी है, मेरी ट्यूनिंग कह लीजिए, मेरी सबके साथ हुई, मैंने अपने करियर की शुरुआत रवि किशन जी और विनय आनंद के साथ किया था, और मेरी पहली फिल्म थी खटाई लाल मिठाई लाल, और रवि किशन के साथ कंटिन्यू दूसरी मूवी थी चंदू की चमेली, उसके बाद मेरी खेसारी जी की शुरुआत हुई, और खेसारी जी के साथ मैंने लगातार चार फिल्में की, हमें हिंदुस्तानी, बाप जी और नागदेव, और पवन सिंह जी के साथ एक फिल्म मैंने की थी लावारिस, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, उसके बाद अभी एक फिल्म मैं दिनेश लाल यादव जी के साथ करने जा रहा हूँ, लावारिस बाप, तो लावारिस के बाद बाप जी के बाद लावारिस बाप, और फिर ये मेरी फिल्म जो है जवानी दीवानी ये जा रही है, तो सारी फिल्मों का अलग अलग फ्लेवर है, सबके साथ ट्यूनिंग है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने चाहे टेक्नीशियन कह लीजिए या कलाकार कह लीजिए या हीरो कह लीजिए या सुपरस्टार कह लीजिए, सबके साथ मेरी ट्यूनिंग है और सबके साथ काम कर रहा हूँ। खेसारी सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब कर रहे हैं? खेसारी जी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट मार्च में है, तेरी मेहरबानियाँ, और जिसके प्रोड्यूसर हैं विजय यादव जी, जिन्होंने अभी भी एक फिल्म बनाई है बोल राधा बोल, खेसारी जी को ही लेके उन्होंने बनाया, पराग पाटिल डायरेक्टर हैं। थैंक यू। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आ गए हैं राजेश झा जी, और हम लोग जो है हमारी पहली बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, इनका बेटा मेरे साथ काम कर रहा है,
और बड़ी अच्छी बात है कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर के बेटे के साथ और म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बाप बेटे के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा कंपोजिशन इन्होंने तैयार किया हुआ है और फिल्म का नाम जो है जवानी दीवानी, जिसमें हम लव मेक्स लाइफ, प्यार ही सब कुछ है, तो बड़ी अच्छी लाइनें हैं उसमें कि हम बचपन से स्कूल से बच्चों की जर्नी शुरू होगी एक लड़का और एक लड़की की, जो कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद फिर अपनी लाइफ की शुरुआत करेंगे, तो वो प्यार की एक शुरुआत होगी और प्यार ही सब कुछ है उसके ऊपर हम लोग की ये फिल्म है। एक यंग जनरेशन के लिए एक सिनेमा जाएगा कि मतलब दो प्यार करने वालों को एक कहना है कि तेरा प्यार है ज़्यादा मेरा प्यार है कुछ कम, या तेरा प्यार है कम मेरा प्यार है ज़्यादा, क्या यही ज़िंदगी है? तो वाकई यही ज़िंदगी है, प्यार ही सब कुछ है। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नया पिक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। देव साहब हमारी इनकी मुलाकात होती रहती है। ये पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, जंगल में या सड़क पर? बातें हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक इतफाकन खुशकिस्मती से इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला इस बार और मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। इनकी समझ सोच जो सिनेमेटिकली बहुत अच्छा, हम लोग अच्छी बॉन्डिंग हमारी है और हम कोशिश कर रहे हैं। कहानी तो आपको इन्होंने बता दिया, बाकी संगीत आप सुनेंगे। संगीत आप दे रहे हैं, आपके बेटा तो हीरो इस फिल्म में, तो कुछ बेटर ही करने वाले होंगे? कोशिश तो बेटर के लिए करते हैं, हर कोई ऑलवेज बेटर ही रहता है, नॉट बेटर, कोई भी हीरो हो सबके लिए इन्होंने स्टार पहुँचा नहीं है, कहाँ है वो डायरेक्टर साहब का अधीन है, स्टार हमारा नहीं होता है, वो डायरेक्टर का होता है हमेशा। और कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में? प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और सबसे अच्छी बात है कि हम एक मत के लोग हैं और कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर्सनली मुझे भी, और टोटली ये फिल्म टीनेज लव स्टोरी समझ लिया जाए और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश किया है। हाँ, हमारी कहानी जो है बीरू ठाकुर ने लिखा है, राइटर और यंग लड़का है, यंग राइटर है, उन्होंने बहुत सारी फिल्में पवन सिंह के लिए लिखी हुई है और गोलू के लिए भी उसने कई फिल्में लिखी है और कंटिन्यू हमारी जोड़ियाँ चलेंगी। मेरे ख्याल से इस साल से लेकर नए साल तक हम गोलू राजेश झा जी चलेंगे। रिलीज हुई है मल्टीप्लेक्स, कुछ कहेंगे? आशीर्वाद है सब आप लोगों का और जाएंगे हम भी देखने। आज अच्छी फिल्म बनाई है सतीश जैन जी ने, हम अपने काम प्रयास कर रहे हैं, बाकी जनता जनार्दन हमेशा से। आज किसको लेकर गाना गा रहे हैं आप? प्रियंका सिंह जी हैं हमारी, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी सिंगर हैं और मोस्टली अब आने ही वाली होंगी। राजेश जी, सवाल ये है कि गोलू एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा सिंगर है, लेकिन सिंगिंग को शायद आप लोगों ने उतनी अहमियत नहीं दी क्योंकि गोलू के गाने बहुत ज़्यादा उस तरह से अब नहीं आते हैं जिस तरह से शायद आ सकते थे, आने चाहिए थे। गोलू ने गायकी से क्यों दूरी बनाई, क्या वजह है इसकी? ऐसा नहीं, गायकी से दूरी नहीं है और जैसे इस फिल्म में वो गाएंगे ही, सुनो ससुर जी में गवाया था, कुछ क्या होता है हम लोग जिस पैटर्न पे थोड़ा हाई पिच के जब गाने होते हैं तो उसमें हमें सिंगर लेने पड़ते हैं वैसे। बेसिकली इसमें दो तीन गाने उसके गोलू के हैं, दो तीन गाने इसमें गा रहा है और उसको उसकी सपोर्ट कंपोजिशन में भी आएगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और जैसे मैंने कहा कि वो सिनेमा में ही पैदा हुआ है और जब म्यूजिक सरस्वती जी की कृपा रही है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर के घर में जन्म लिया तो बट नेचुरल वो म्यूजिक का सेंस है और गाना गाएगा ही। और लेकिन हर आदमी की एक पहली प्राथमिकता जो होती है वो कला की होती है कि वो एक्टर है, कलाकार है, तो वो अपनी एक्टिंग के हिसाब से अपनी जलवा दिखाएगा और जो सेकेंडरी थिंग है वो म्यूजिक रहेगा और वो गाना गा ही रहा है। अपनी सारी फिल्मों में कोई ना कोई गाना गाता है बट मेरी इस फिल्म में जवानी दीवानी में यंग जनरेशन है तो एक नए गाने और नई स्टाइल में कुछ नए कंपोजिशन देखने के मिलेंगे और नई स्टाइल में गाने गाएगा क्योंकि जो हमारा ढर्रा जो चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का उस तरह के हर गाने हर कोई नहीं गा सकता है। जो लोग जिस तरह के ढल के आते हैं उसी तरह के वो गाने गा सकते हैं बट इस लड़के में इंटेलिजेंट है कि वो हर टाइप का गाना गाएगा और हर टाइप का गाना गवाया जा रहा है। और ये मौका और उसे खुद गिटार बजाने आता है, उसकी एक खासियत है वो खुद गिटार बजाता भी है तो उसकी वो सारी टैलेंट जो है इस फिल्म में दिखेगा। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे आज की फिल्म की मुहूर्त हुआ है? पहले सबको मेरा प्रणाम है, दर्शकों को, और आज के लिए इस फिल्म के लिए बधाई दे रहा हूँ सब हमारे बड़े भाई संजय भैया हैं दुर्गा फिल्म प्रोडक्शन को। थोड़ा दो तीन साल के अंतराल में फिर बन रहा है, इसके पहले इन्होंने बाजीगर लंका बनाया था, लड़ मरते दम तक बनाया था, अब जवानी दीवानी बना रहे हैं गोलू जी को लेकर इस सब कश्यप को। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि फिल्म बने, अच्छी बने और देव जी हमारे प्रिय प्रिय में प्रिय मित्र हैं डायरेक्टरों में,
तो इनके लिए तो मेरी विशेष मतलब मेरा तन मन धन सब हाजिर है इनके लिए। तो अब मैं चाहूँगा अच्छी से अच्छी फिल्म बने, ये बनावें और जितना हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। हमारा तो काम मेन बेचना खरीदना बनवाना है, उसके लिए तो मैं लगा ही हूँ, करूँगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद विजय यादव जी का, और विजय यादव जी जो हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये प्रोजेक्ट उन्होंने ही मेरे पास लेके आए। हम प्रोड्यूसर साहब से पहली बार मिले और मिलके पहली बार में ही उन्होंने सब कुछ, क्योंकि मार्केटिंग के आदमी हैं और मार्केटिंग में बहुत तेज़ हैं, तो सब कुछ निपट लेते हैं आपस में। लेकिन बहुत बहुत लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी सी खबर है कि उनकी बहुत बड़ी फिल्म आ रही है बोल राधा बोल, जिसमें खेसारी लाल यादव जी हीरो हैं, ये खुद सोलो प्रोड्यूसर हैं और आगे भी फिल्म बनाएंगे खेसारी जी के साथ। हम लोग मिलके एक अलग नए साल में हमारी एक फिल्म आएगी तेरी मेहरबानियाँ, और गोलू जी के साथ भी ये फिल्म बना रहे हैं। तो लगातार हम लोग फिल्म करते रहेंगे, क्योंकि जब मार्केटिंग का आदमी सिनेमा के मेकिंग में आता है तो अच्छी से अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश ही करता है, और अच्छी फिल्म बनाने के लिए ही वो जीता है। देव पांडे जी, आपके प्रोड्यूसर साहब से एक मेरा सवाल है। सर, मुझे बताया गया कि आपने पवन सिंह को लेकर फिल्म बनाई थी जी। अब आप पवन सिंह को लेकर फिल्म नहीं बना रहे हैं, कोई खास वजह आपने क्यों छोड़ दिया? कोई वजह नहीं है, पवन सिंह के पास समय का बड़ा अभाव रहता है और उनका समय ज़्यादा लेते हैं। एक पिक्चर में 40 से 50 दिन देना आज के डेट में भोजपुरी में बड़ा आफत है, अभी छोटी सी बात नहीं है। पवन जी के साथ करना माने आप 50 दिन का बजट लेते हैं तभी आप पवन सिंह के साथ पिक्चर बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन फिल्म भी तो उसी तरह से बड़ी बनती है सर। बड़ी बनती है, मगर पैसा कहाँ है? रिकवरी भी तो होना चाहिए, फिल्म बड़ी बनती है। आइए गिरीश भाई, आइए। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि 50 दिन जो फिल्म शूट हो रही है उसकी रिकवरी नहीं होगी सर। नहीं नहीं, कभी नहीं हो पा रही है रिकवरी, हर बार टूटता है, 20-25 लाख-30 लाख रुपया टूटता है पिक्चर में। नहीं, आपने पवन सिंह को लेकर जो फिल्म बनाई थी उसमें आपका नुकसान हुआ, ये बहुत बहुत सारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाज गई लंका बहुत बड़ी नुकसान वाली पिक्चर थी। तो आप उनको लेकर फिल्म नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, जब बनाएंगे और जब हमारी रिकवरी दिखेगी तभी बनाएंगे। नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई कमेंट नहीं है भाई। हमसे कमेंट नहीं, मत लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। देव बाबू इसके डायरेक्टर हैं, देव बाबू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ में थिएटर किया करते थे, और विजय भैया जी के सहयोग से बन रहा है, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद। अपना संजय भाई जी प्रोड्यूसर हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। हमारे पुराने प्रोड्यूसर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत कुछ इन्होंने दिया है और आगे भी देंगे, तो इसलिए बहुत धन्यवाद। अपना गोलू कश्यप जी हीरो हैं, बहुत अच्छे, सबसे स्मार्ट हीरो, इसमें दो मत नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सब लोगों को भी धन्यवाद। आप लोग भोजपुरी समाज को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत 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 धन्यवाद। राजेश जी, तो राजेश जी को भी बहुत धन्यवाद, इस ढंग से सब लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, प्रणाम। अभी देव जी, विजय भाई ने बुलाया है, अभी इसका जैसे जैसे करेंगे कुछ होगा, करेंगे करेंगे, कोई नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा करेंगे। गोलू बहुत अच्छा एक्टर है, सबसे स्मार्ट हीरो है, इसमें दो मत नहीं है, मैं उसका कद्र करता हूँ, और सबसे बड़ा नन सिंगर है, इसलिए और ज्यादा कद्र करता हूँ। अच्छा, आपको पर्दे मारने में अच्छा लगता है कि पिटवाने में? अब आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसको रोक क्यों लिए आप? नहीं, मैं करेक्टर रोल भी करता हूँ, जैसा कि आपने गंगा देवी में देखा है, मैं एक कॉमेडियन रोल किया हूँ, जैसा कन्हैया लाल जी करते थे, मैं हर तरह का रोल करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कितनी फिल्में एक साल में लगभग कर लेते हैं? 15 के आसपास। 15 अब जो आप समझिए, आप मैं CBI वाले हमको छापा नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं हीरो नहीं हूँ, पैसा तो मिलता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, डायरेक्टर साहब यहीं हैं, प्रोड्यूसर साहब वैसे यहीं हैं। कॉलू जी के कान को है सब कहानी कही जाएगी, चिंता मत करिए, वक्त का इंतजार करिए, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा एक इंडस्ट्री को सुधारने की ओर ले जाऊंगा भाई। वक्त का इंतजार करिए, थोड़े दिन, 1-2 महीने, बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, विश्वास के साथ आप लोगों को मीडिया के सामने कहता हूं, और इसके बाद, इस बार से भोजपुरी इंडस्ट्री निश्चित सुधरेगी। मैं अपने ठान लिया हूं कि 6 साल बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी है, क्योंकि सब मेरे बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तीनों बच्चे, मैं सेटल होने जा रहा हूँ, तो इतना बड़ा खुलासा करूँगा कि जो आप सोचे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन मीडिया बंधु से हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ कि सब लोग सहयोग करेंगे, जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा सब लोग आएंगे, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, अब भोजपुरी इंडस्ट्री में निश्चित बदलाव होगा, क्योंकि मैं एक अगला दूसरा भी एक बिजनेस शुरू किया हूँ फाइनेंसर का, अभी 2 फिल्म हमने, 3 फिल्म फाइनेंस किया, जिसमें विजय भैया ने बिकवाया है तकरार रत्नाकर जी से, और दूसरी फिल्म मैंने अभी ससुरारी जिंदाबाद फाइनेंस किया है, और तू मेरी मैं तेरा विशाल सिंह जी हीरो, ये हमने, और 4-5 फिल्में अभी मैं फाइनेंस करने जा रहा हूँ। थैंक यू, प्रणाम, सब लोगों का आभार। आप सबको और सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ अलीशा अली खान, और आज बहुत ही प्यारा उसका नेम है, मतलब टाइटल है, जवानी दीवानी, उसका मुहूर्त हुआ, और
मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी गुड लक। और ये फिल्म बना रहे हैं संजय मिश्रा जी और डायरेक्टर है देव पांडे जी, एंड बहुत अच्छी टीम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी बनेगी। आजकल आप कहाँ है, क्या कर रहे हैं? अब अंदर लिखिए। आजकल कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और जब भी कुछ करते हैं नया करते हैं, फिर कुछ नया करेंगे। यस सर, मेरी जो पिक्चर बन रही है जवानी दीवानी, उसके डायरेक्टर है देव पांडे जी, म्यूजिक है राजेश जी का और हीरो है गोलू। गोलू बहुत प्यारा आर्टिस्ट है, सभी लोग आप लोग कई पिक्चर उसके देखे होंगे। सबसे अच्छा अदाकारा हमारे हिसाब से है और मेरी पिक्चर जो है पूरी लव स्टोरी है और रांची में इसकी पूरी शूटिंग जो रांची में शुरू हो रही है, झारखंड में। कब से शुरू करेंगे सर शूटिंग? हम हार्डली लगता है दुर्गा पूजा के आसपास शुरू कर देंगे हम लोग शूटिंग। गोलू के साथ हीरोइन कौन होगी? अभी हीरोइन का चॉइस नहीं हुआ है, अभी कई लोग हैं जो अभी निर्णय आज से कल में हो जाएगा। देव पांडे जी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, पहली बार आप काम कर रहे, कुछ कहेंगे? देव पांडे जी का बहुत सारा पिक्चर पहले से आया है और देव पांडे जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और हमको जमता है उनसे, इसके लिए मैंने उनको डायरेक्टर अपने कंपनी में लिया। इसके बाद भी दूसरी प्रोजेक्ट भी मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, देव जी को ही दे रहा हूँ। म्यूजिक किस तरह का होने वाला है? लव स्टोरी, पूरे गाने जो है पूरे लव स्टोरी हैं, पूरे लव स्टोरी गाने हैं। कौन कौन से फिल्में आपने प्रोड्यूस किए, उसका नाम बताइए? बाज गई लंका मैंने किया, लरम सबसे पहले मैंने लरम मरते तब तक बनाया, उसके बाद बाज गई लंका पवन सिंह को लेके बनाया, तेबर को मैंने फाइनेंस किया, कुणाल सिंह के पिक्चर को भी मैंने पैसा दिया, अब फिर अपना प्रोजेक्ट फिर चालू कर रहा हूँ। अब कई प्रोजेक्ट जो है फाइनेंस में हमारा है जो बन रहा है, फ्लोर पे है, जब तैयार हो जाएगा तो उसका भी नाम आप लोग को बताएंगे बहुत जल्द। भाभी कुछ कहेंगी? जवानी दीवानी के लिए बेस्ट। जवानी चलिए।